ॐ गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थयं भूफलचारु भक्षणं उमा सुतब रोग शोक विनाशकारकं नमामि शर्पाद पंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ महादेवाय विद्महे शक्तिमाते धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मदेवाय विद्महे मा शरस्वताय धीमहि तन्नो प्रजापति प्रचोदयात्। ॐ परमपिता परमेश्वराय विद्महे महालक्ष्मीवाते धीमहि तन्नो इष्ट प्रचोदयात्। सिस्टम स्कंद प्रथम अध्याय अजामिलों को उपाख्यान, अजामिल का उपाख्यान है। बड़ी रोचक कथा है और इसमें बहुत भारी सीख दी हुई है। इस कथा को सुनने वालों के पाप कट जाते हैं, बहुत से पाप कट जाते हैं। इस कथा को सुनने से आपको नर्क की प्राप्ति नहीं होती है। नर्क का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रकार किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि जो नर्क है वो दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निशवात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्ण अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना करते हैं। उस नर्क लोक में सूर्य के पुत्र पृथ्वीराज भगवान यम अपने सेवकों सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल देते हैं। तो इस नरक की प्राप्ति नहीं होती है। करोड़ों करोड़ों तरह के लोगों ने नरक बताए हैं। कुछ लोग कोई नरक कहते हैं, कुछ लोग कोई नरक कहते हैं। यहां पर तमिस, अंधमिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असित, पत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंठ, शालमी, वैतारणी, पयोध, प्राणरोध, विषशन, लालभक्ष, शर्म्यदन, अविची और आयपन, इसके सिवा छार, छार कदर्म, रक्षोण भोजन, शूल प्रबोध, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यवर्तन और सूचीमुख, कुल मिलाकर 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने वाले बनाए गए हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, और स्त्रियां इसका प्रतिकूल, जैसे वो पुरुषों का, दूसरे पुरुष का हरण कर लिया, धन का, संतान का हरण कर लिया, तो अत्यंत भयानक यमदूत कालपास में बांधकर जबरदस्ती तमिश्र नर्क में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नर्क में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना, भय दिखाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, और यही स्त्रियों के लिए है, वह अंधता मिश्र नर्क में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध-बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंधता मिश्र नरक कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में शरीर ये मैं ही हूं, ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों का द्रोह करता है और अपने कुटुंब का और अपने पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसे जिन जीवों को जिस प्रकार से उसने कष्ट पहुंचाया था, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रू रू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं।
इसलिए इस नरक का नाम रोरव है। और रूरू सबसे अधिक क्रूर स्वभाव वाले, पेट बहुत दर्द करने वाले, दुख बहुत ही कष्टकारी कीड़े होते हैं, वो उसको कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसा ही महारोरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो किसी की परवाह न करके केवल अपने शरीर का पालन पोषण करता रहता है। किसी की परवाह नहीं करता, अपने शरीर का पालन पोषण करता रहता है। वह कच्चा मांस खाने वाला रूरू इसके मांस को काटता है, जो कीड़े होते हैं वहां के वो इसके कच्चे मांस को काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य है इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, यानी बनाता है, सब्जी बनाता है उनकी, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रोते हैं, बनाते उसकी भी सब्जी बनती है। अब होता क्या, वहां आप मर नहीं सकते, आपका शरीर तो खत्म हो गया, कष्ट ही कष्ट होगा, आपको केवल सहन करना होगा वो कष्ट, बेहोश हो जाएंगे फिर वो आपको किसको, जो आपने दूसरों को कष्ट पहुंचाए हैं वो कष्ट आपको होंगे विद व्याज। जो मनुष्य श्लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 वजन का है, इसे इसी की भूमि तांबे की है, जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलाया जाता है, और वहां पहुंचा हुआ पापी मनुष्य भूख प्यास से व्याकुल रहता है, उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है, उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि कभी वह बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने भी रोम होते हैं उतने ही 1,000 वर्ष तक उसकी दुर्गति होती है। कितना कठोर है, आप सोचो, जो पुरुष किसी प्रकार आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को, यानी कि पूजा पाठ को, सत्य मार्ग को छोड़कर पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, फर्जी धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत असित पत्र वन नर्क में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब वह उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिसमें दोनों ओर धारे होती है, टूक टूक होने लगता है। मैं आती वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग पे चलने वाले लोगों को बहुत बुरा कष्ट भोगना पड़ता है। इसी लोक में जो पुरुष राजा राजकर्मी होकर किसी निर अपराध मनुष्य को दंड देता है, यानी कि परमेश्वर ने आपको शक्ति दी, राजा बना दिया, राजकर्मी बना दिया, अब निर अपराध लोगों को आप कष्ट दे रहे हो, दंड दे रहे हो, तो उसमें क्या है ब्रह्म, और इससे क्या होगा, महापापी मरकर कहा जाएगा सुकर मुख नरक में जाएगा, और वहां पर महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, कोलू में जैसे पेला जाता है उस तरह उसे पेला जाता है कोलू में वहां, और वह रोता चिल्लाता है और मूर्छित होता है। इसी प्रकार जो लोग खटमल आदि जीवों की हिंसा करते हैं वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिराया जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उसकी वृत्ति बना दी है, और उन्हें उसके दंड उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। अब मच्छर है, उसे भूख लगी काट लिया, खटमल है उसे भूख लगी उसने काट लिया, तो क्या है कि ये तो भाई उन्हें पता ही नहीं, वो जानबूझ के आपको कष्ट नहीं पहुंचा रहे। इस प्रकार वहां पे क्या होता है, पशु मृग पक्षी सांप रेंगने वाले जंतु मच्छर जू खटमल मक्खी ये जितने भी हैं इनको भी हमारे यहां शास्त्रों में मारना अपराध बताया गया है। आप बचाव कीजिए, हत्या मत कीजिए, ऐसी है अपनी भागवत। और भागवत कहती है कि जितना भी कष्ट आप लोगों को देते हैं उसी तरह का कष्ट आप लोगों को मिलता है। विभिन्न विभिन्न ग्रह का जो लोग होते हैं, ये जो पुरुष अपनी स्त्रियों से द्रोह करते हैं, धोखा देते हैं, उन्हें वहां पर लोहे की तांबे की सोने की स्त्रियों के साथ चिपका दिया जाता है और उन्हें गर्म किया जाता है। ऐसी पुरुषों के साथ हुआ, ऐसी स्त्रियों के साथ होता है, जो स्त्री पर पुरुषों के पास जाती है अपने पुरुषों के साथ द्रोह करती है तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है, ऐसा कहीं भागवत में बताया। कुल मिला के अगर हम इसका अध्ययन करें तो जो हम कष्ट किसी और को देते हैं उस कष्ट का अनुभव हमें कहीं ना कहीं होता है। अब अजामिल की कथा में बताया गया है कि जो इस अजामिल की कथा को सुनता है वो इस कष्ट से पार हो जाता है। हुआ क्या, हुआ ये कि एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाला, माला करने वाला, ध्यान भजन करने वाला, बहुत अच्छा ब्राह्मण।
अब क्या हुआ, एक दिन वो जंगल में जा रहा था, रास्ते में उसको एक बेस्या दिखाई दे गई। उस बेस्या को देखकर उसका मन खराब हो गया और वो उस बेस्या के साथ रहने लगा और बोला तू मेरे घर चल। बेस्या को घर लेके आया तो बेस्या ने कहा कि ये घर में कौन है? बोले मेरी पत्नी और बच्चे। बोले इन्हें निकाल बाहर। भाई जब तू मुझे लाया तो फिर इनका क्या काम? उसने वो पत्नी और बच्चे अपने निकाल दिए, बेस्या के साथ रहने लगा। और बेस्या को क्या चाहिए? धन। अब बेस्या उसे धन मांगती और भाई उसे सजने समझने रथ बाहर जो उसका यान था जो उसका रथ था सब चीज के लिए धन चाहिए ना, तो उसे कहती ला धन। तो चोरी करता, चकारी करता, इधर उधर डकैती डालता, लोगों को मारता, लोगों बच्चों का अपहरण कर लेता, सब उल्टे सीधे काम उसने शुरू कर दिए। बन गया डकैत अजामिल, वहां का मशहूर डकैत अजामिल बन गया। वैसे आप नमस्त। अब एक दिन क्या होता है कि कुछ साधु तो आप जानते ही हो, सबका भला करने वाले, श्री राम का नाम लेते हुए संत सन्यासी आग के स्वाधु नहीं, साधु आजकल तो बड़ा लोग ढोंग करते हैं। वो उस गांव से अजामिल के गांव से गुजरे और अजामिल के गांव में जब बाहर कुछ लोग बैठे थे उनसे बोले भैया कोई यहां धार्मिक व्यक्ति जो भगवान का भजन करता हो, पवित्र हो, ब्राह्मण हो, उसका घर बता दो। भैया आप जानते ही हो जो बच्चे पढ़ने लिख रहे होते हैं ना नए नए और कोई बुजुर्ग भी मजा लेने के लिए कभी कभी कुछ हरकतें कर जाते हैं। अब उसमें से एक ने कहा देखो भैया एक पंडित है बहुत बढ़िया तुम्हारे जैसा ही है, उसका नाम है अजामिल, उसके यहां रुक जाओ, उसके यहां चले जाओ। तो समझ गए थे वो तो कि ये पंडित के यहां आकर रुकेंगे, खाएंगे पियेंगे, ब्राह्मण मान रहे सो चले जाएंगे, ब्राह्मण है ये लोग। ब्राह्मण मीन्स जो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला हो, ब्रह्म विद्या का ज्ञान रखने वाला हो। वो पंडित वो जो जितने थे पूछा भैया कहाँ है अजामिल? बोले इधर जाओ, थोड़ा इधर जाओ उधर जाओ, अजामिल यहां पहुंच गए। और अजामिल के घर पे जाके बोले हरिहर हर हर नारायण हरि भिक्षाम देही। अब अंदर बेस्या बोली यार आज तक तो कोई नहीं आया हमारे यहां, आज तक तो कोई नहीं आया भिक्षा मांगने, ये कहां से आ गए? समझ गई कोई गलत रास्ता बता दिया, हमारे यहां तो कोई आता नहीं है, अच्छा है अजामिल नहीं है अभी घर पे। तो बाहर आई बोली महाराज कहां आ गए? बोले हमें बताया ब्राह्मण अजामिल बढ़िया घर, ये सब बहुत अच्छा ब्राह्मण है, जप करता है तप करता है और जो भक्त आते हैं साधु आते हैं उनकी बहुत सेवा करता है। अरे भैया सेवा तो करता है महाराज, वो तो सब काट कमंडल सब छीन लेगा, वो तो डकैत है, किसी ने आपके साथ धोखा किया। संत क्या होते हैं, सदैव सबका लाभ करने के लिए, वो कभी लेने के लिए नहीं दे के ही जाते। अब उनके मन में आ गया अगर हम यहां आए हैं तो ईश्वर की इच्छा से आए। देखो आपके साथ जो कुछ भी होता है आपके कर्म और ईश्वर इच्छा दो के अनुसार होता है, ध्यान रखना कर्म और ईश्वर इच्छा। जब भी दुख आता है तभी हम ईश्वर को मानते हैं और दुख नहीं होता तो हम ईश्वर को बहुत कम ध्यानते हैं। आप सब जानते हैं, देखिएगा जब आदमी सुख होता है तो पार्टी में इधर उधर घूमने में इन सब चीजों में उसका मन होता है, लेकिन दुख आता है तब वो भगवान को भगवान के भक्तों को ध्यान करता है। और मानो भगवान अपने भक्तों के भी सेवक होते हैं, अपने भक्तों के भी सेवक होते हैं। अब कैसे, मैं उदाहरण दूं, एक सत्संग चल रहा था जैसे आज आप हमारा सत्संग सुन रहे, उस सत्संग में एक भजन था उसमें था जय नारायण जय देवकी नंदन, हरिहर नारायण जय जय देवकी नंदन। अब वहां पे एक महिला बैठी हुई थी, महिला के पति का नाम देवकी नंदन था और वो अपनी भतीजी के साथ आई हुई थी। तो वो कह रही जय नारायण, अब पति का नाम तो लेना, और जो उसके साथ जो लड़की गई थी सोनिया तो कहने लगी जय नारायण सोनिया के चाचा बंदन, जय नारायण सोनिया के चाचा। अब भगवान
ऊपर हंसने लगे। भगवान बोले भैया आज तो बड़ा रिश्ता हो गया। मां लक्ष्मी बोली क्या हुआ महाराज आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले आज भगत ने एक नाम और दे दिया सोनिया के चाचा। अब लोग मुझे सोनिया के। अब ये एक हास्य चटकुला है लेकिन ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर आपसे जो प्रेम से नाता आपने जोड़ लिया ईश्वर एकदम सुन लेता है। प्रेम से ध्यान से जब भी आप उससे कोई प्रार्थना करते हैं वो सुन लेता है। ध्यान रखना ईश्वर सदैव क्षमा कर देगा। ईश्वर सदैव दया करते हैं, गुरु सदैव दया करते हैं, भक्त सदैव दया करते हैं लेकिन हमारे कर्म हम पर कभी दया नहीं करते। उनका फल हमें भोगना ढूंढ लेते हैं वो। जैसे गाय का बछड़ा अपने गैया को ढूंढ लेता मैया को ढूंढ लेता है ऐसे ही कर्म अपनों को ढूंढ लेते हैं। तो कर्म करते हुए सावधान होना चाहिए। अब जब वो आ गए हो तो भोग लीजिए, आगे के लिए फिर सावधान हो जाए। अब आइए अजामिल पे। तो क्या हुआ? उसने कहा महाराज एक बात है कि अब आप यहां से चले जाओ, अगर मेरे पति आ गए तो मुझे चिमटा विमटा सब छीन लेंगे। तो बोली कि ऐसा माई अब हम जाएंगे तो रहेंगे ही, तू खाना पीना करवा। बोली महाराज मैं खाना तो नहीं बना सकती, मैं वेश्या हूं, बहुत गंदी औरत हूं, लेकिन एक है मैं तुम्हें कच्चा माल दे देती हूं, दाल चावल आटा थोड़ा नमक मिर्च मसाला बना लो और खा लो, और बाकी तुम्हारी गारंटी मेरी ये नहीं है आके मेरे पति ने कुछ ऊंचा नीचा कर दिया तो। बोले हम देख लेंगे। अब उन्होंने वो कच्चा माल लिया, खाना वाना बनाया। भाई नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण ऐसा जाप करने लगे। अजामिल आया बोला यार क्योंकि ब्राह्मण था इतने दिनों में आज तक हमारे यहां कभी तो ये हुआ नहीं भजन वजन कर रहे हैं, पहले अंदर जाके देखता हूं क्या मामला है। अंदर गया पत्नी को देखा, पत्नी का चुप शांत रहना अब आ गए हैं भजन कर रहे हैं कल चले जाएंगे चिक चिक मत करना कुछ ठीक है। पत्नी ने कह दिया वैसे की बात तो वैसे ही मानता था शांत हो गया। सुबह सुबह पंडितों ने कहा अजामिल जाए हम तो जाओ, फिर बोले जाए हम बोले जाओ, फिर बोले जाए हम बोले वो कैसे जाओगे? अजामिल समझ गए लेने के चक्कर में है। अजामिल बोला महाराज अगर आप कुछ लेने पीने के चक्कर में हो तो देख लो मेरा मन बदलते देर नहीं लगेगी। एक तो आपने मेरे यहां खाना वाना खा लिया बहुत अच्छी बात, अब आप क्या लेने के चक्कर में हो? तो बोले बच्चा अगर किसी को तुम भोजन कराते हो तो दक्षिणा भी देनी होती है। भोजन नारायण है और दक्षिणा पत्नी है नारायणी, जब तक आप जोड़ा पूरे नहीं करोगे तो कैसे होगा? ब्राह्मण को भोजन कराया तो कुछ खिलाओ कुछ दो। बोले देखो मेरी बुद्धि पलट गई तो ये पीतल का कबंडल और ये चिमटा और जो थोड़ा बहुत झोली बोली मैं सब छीन लूंगा, देर नहीं लगनी मुझे, और तुम लगे पड़े हो जाऊं जाऊं भागो यहां से। बोले देख बच्चा हम ये नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले बस हम एक बात कहें, तेरी पत्नी जो है गर्भवती है, हम कहें तो हमारी बात मान ले। तो बोला ठीक है मान लूंगा। अब इस बीच में कहानी बड़ी हास्यप्रद मुझे याद आ रही है जाऊं जाऊं के पीछे। एक भक्त था, भक्ति करता था और उसे लगा, उसने कहा अपनी पत्नी से कि जब तक किसी में संत के जो है संत को खाना ना खिला लूं और संत की सेवा ना कर लूं तब तक मैं व्रत खाना नहीं खाया करूंगा। चल पड़ी गाड़ी, क्योंकि उसे उस चीज से बड़ा लाभ हुआ। हम क्या करते हैं जिस चीज से हमें लाभ होता ना वो करने लगे, किसी पीपल के पेड़ को छू के आता हूं मैं और मुझे लाभ होता है तो हम वैसे ही करने लगते, ऐसे टोने टोके शुरू होते। अब वो क्या हुआ जैसे अपने लॉकडाउन अब चलते हैं ऐसी कोई दिक्कत ऐसी हुई कि संत आए या कुंभ वुंभ लग गया होगा तो कुंभ में सारे संत चले जाते हैं ना, तो संत आए नहीं दो दिन था। अब भूखे मारे हाल बुरा, तीन दिन हो गए। पत्नी ने कहा कब तक भूखे रहोगे यार, तीन दिन हो गए हैं कोई संत आया नहीं है, तुम भूखे पड़े हुए हो। तो बोले नहीं मैंने तो कर रखा है क्योंकि उससे मेरे काम धाम बढ़िया चलते हैं, कोई संत आए खाना खिलाऊं। और बोलिए काम करो जाकर संत की मूर्ति ले आओ, मूर्ति को आप जो है भोग लगा देना और भोग लगा के भैया अपना भोजन पा लेना। उसे आइडिया समझ में आया, वो मूर्ति गया लेने तो वहां शक्कर की मूर्ति ले आया। शक्कर की मूर्ति कैसी होती है? दिवाली में देखी ना आपने, दिवाली में मूर्तियां होती है हम खाते हैं, बतासी वाली मूर्ति होती है दिवाली में, खिलों के साथ मिलती है। वो शक्कर की मूर्ति ले आया,
शक्कर की मूर्ति लाया था, देखा तो रास्ते में दो संत भी मिल गए, तीन संत मिल गए। महाराज चलो जरा मैं ऐसे तीन दिन से भूखा हूं, बोले चलो। जाके बैठ गए और पत्नी से बोला कि तुम एक काम करो, इनके लिए भोजन बनाओ, मैं दही वही ले आऊं जरा दुकान से। अब वो उसके एक छोटा सा बच्चा था, छोटा बच्चा बोला, उसने देखा अंदर से मीठे मीठे तीन संत बैठे, अम्मा मैं एक संत खा लू, अम्मा मैं एक संत खा लू, अम्मा हट हट खाना बना दे मुझे, फिर बार अम्मा एक संत खा लू, अम्मा एक बाबा खा लू। अब बोले यार, अब जैसे अजामिल के यहां जाके अच्छे अच्छों की हवा खराब होती तो वैसे उस बाबा की हवा खराब हुई। बाबा बोले यार ये बच्चा क्या बोल रहा। थोड़ी देर में अम्मा बोली, देख बेटा रुक, अभी तेरे पापा आएंगे, एक तू खाना, एक मैं खाऊंगी, एक तेरे पापा खाएंगे, बस हम तीनों संत खा जाएंगे, तू शांत रहे। अच्छा पापा भी खाएंगे? हाँ जी, पापा का एक पापा खाएंगे, एक मैं खाऊंगी, एक तू खाना। और संत तो भाग लिए, बोले प्रणाम करके, ये तो तीनों हमें खाने के चक्कर में लग रहे हैं, वो पहले से कह रहा था तीन दिन से भूखा हूं। और जब ये भागे तो जैसे सीढ़ियां उतर गए तो उधर से वो आ गया बेचारा भगत। भगत बोला कि महाराज कहाँ जा रहे हो, मुझे तो बहुत तगड़ी भूख लगी, बोले भागो। और भागे, बोले महाराज रुको रुको, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप खाना खाओगे तभी तो मैं खाऊंगा। बोले भागो, ये तो हमें बना के पहले हमें खाना खिलाएगा फिर ये हमें खा जाएगा। तो इस तरह से वो संत, अगर ऐसे वाले संत होते तो भाग गए होते अजामिल के यहां से, लेकिन वो पक्के वाले संत थे, जब तप करने वाले संत थे। तो वो संत रुके, उन्होंने कहा बेटा जो इतनी तो बात मान लेगा, इसने कहा देखो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ क्या बात है। बोले उसका नाम नारायण रख ले, जो तेरे बच्चा पैदा होगा उसका नाम तो नारायण रख ले। बोले मैं नारायण क्यों रख लू, मैं कोई और नाम क्यों ना रखू, आप ये बताओ। तो उसकी पत्नी ने कहा काय बहस कर रहे हो, वो कह रहे रख लो यार, संत हैं, कुछ छीन तो रहे नहीं तुमसे। ठीक है यार नारायण रख लेते हैं। तो उसके 10 बच्चे हुए थे, 9 बच्चे पहले थे, 10वां ये था, उसने नारायण रख लिया, संत अपना चले गए। साधु और संत की बातों में बहुत इशारा होता है, बहुत गुण होता है। अब इसकी उम्र ढलने लगी, ये बीमार पड़ने लगा, बच्चा छोटा सा इधर उधर खेलता था, बड़ा प्यार रहता उसने, बड़ा आकर्षक बच्चा था, बहुत अच्छा लगता था, हर समय नारायण 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 करता रहता था। अब क्या हुआ, इसकी मृत्यु का समय निकट आ गया। तो देखो मृत्यु का समय निकट आता है तो ये बुद्धि जो है बिल्कुल भ्रमित हो जाती है, बुद्धि साथ नहीं छोड़ती, साथ नहीं देती, और मन लगा रहता है संसार में, बड़ी बुरी स्थिति होती है। तो बड़ी पीड़ा, यमदूत आ गए और यमदूतों ने उसकी आत्मा को निकालना चाह खींचना शुरू कर दिया। देखो मृत्यु के समय बहुत बहुत पेन होता है, बहुत कष्ट होता है, हजार बिच्छुओं के काटने जैसा कष्ट होता है। बहुत कम लोग होते हैं बहुत जल्दी उस कष्ट को पार करके तुरंत मृत्यु हो जाए, वरना काफी कष्टकारी होती है। मृत्यु क्या है, मृत्यु एक परीक्षा है, वो परीक्षा के बाद दूसरा एक द्वार है, जिसके बाद हमारा दूसरा जीवन शुरू होता है, यहां कोई समाप्ति नहीं होती, शुरुआत होती है, भागवत में पहले भी कहा गया। अब ये जोर से चीखा नारायण बचाओ पूरे मन से, बच्चा अपना खेला। तभी भगवान विष्णु के पार्षद, जो भगवान विष्णु के समान थे, चक्र गदा शंख आशीर्वाद मुद्रा वाले, ये सुंदर वो प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही यमदूत होगी तो हवा खराब होगी, बोले भाई आप कौन हो। बोले हम नारायण के पार्षद है, तुम इसे नहीं ले जा सकते, दैट्स ऑल फुल एंड फाइनल। बोले महाराज हमें तो यमराज जी ने कहा है कि और वर काम में ले जाना, तो बोले नारायण बोला इसलिए नहीं ले जा सकते। बोले साहब ये नारायण जो बोला है, ये जो नारायण बोला है ये अपने बेटे को बोला है, कोई आपको नहीं बोला, ये भगवान जी को नहीं बोला नारायण। तो कहने लगे कि महाराज अगर कोई हंसते खेलते सोते अगर नारायण बोल दे, नारायण के बारे में सोच ले,
मान लो खेलते खेलते और कि गुस्से में नाराजगी में उसका उद्धार हो जाता है। ये तो मृत्यु के समय नारायण बोला है, इसका उद्धार होगा, भागवत कथा ये कहती है। तो यमदूतों को जाना पड़ता है, यमदूत यमराज जी के पास जाते हैं और यमराज जी से कहते हैं कि हे यमराज, आप तो हमारे भगवान हैं, हम तो आपको ही भगवान मानते हैं। वो चार पार्षद, तीन पार्षद आए थे और पार्षदों ने हमें उस अजामिल के प्राण नहीं लेने दिए, और अब ये बताइए कि वो तो नारायण नारायण चिल्लाया और वो जो है हमें उन्हें छोड़ना, उनका प्रभाव बहुत। अब क्या हुआ, कहने लगे धीरे बोलो। यमराज बोले धीरे बोलो, तेज मत बोलो। क्यों, ये सारे नरक हैं, कष्ट भोग रहे हैं, इन्होंने नारायण का नाम सुन लिया, इनका भी उद्धार हो जाएगा, ये भी वैकुंठ चले जाएंगे, नारायण नाम में बहुत शक्ति है, धीरे बोलो। बोले फिर क्या, बोले नारायण का नाम कहीं भी लिया जा रहा हो, कहीं भी जप हो रहा हो, कोई सोते गाते कहीं भी नाम ले रहा हो, उसे ये मैं तुम्हें नहीं जाना है, ये मेरी आज्ञा है। ये भागवत कहती है, भागवत ये कहती है, जहां नारायण का नाम हो वहां तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है, उस एरिए में नहीं जाना, उन प्राणियों को तो छूने की बात बहुत दूर है। अब यह अजामिल देखता है कि अरे ये मेरा कितना, मतलब मैंने अपना जीवन कैसे बर्बाद कर दिया, अच्छी खासी पूजा पाठ भगवान का ध्यान करता था, ऐसी आदमी का कभी भी भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने, इस भगवान ने जिसे मैंने झूठे में पुकारा, मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दी, फिर वो भगवत कथा में, भगवत जप में लग गया, भगवत कथा और भगवत जप में लग गया। और उसके बाद उसका कुछ दिनों के बाद जब वो भगवत कथा जप में लग गया, इतना लगा कि फिर खुद ही विष्णु लोग नारायण लोग वो पहुंचा। इस कथा का जो सार है, कथा ये कहती है, कथा क्या कहती है, कथा ये कहती है कि नारायण का नाम, परमपिता परमेश्वर का नाम अगर कोई व्यक्ति किसी भी रूप में लेता है, मृत्यु के समय वो नारायण लोक जाता है, नरक नहीं जाता, भले ही उसने जीवन भर कैसे कर्म किए हो। इसलिए मृत्यु को क्या कहते हैं, परीक्षा का समय। उस समय कष्ट होते हैं, डिस्टर्ब होता है, लेकिन आपने हरि का नाम ले लिया, नारायण का नाम ले, श्री हरि कहे, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिस नाम से आपको प्रेम हो परमपिता परमेश्वर के, जैसे मैंने बताया अभी सोनिया के चाचा, इसमें भगवान खुश होंगे। आप कुछ भी बोले, उस भगवान के लिए बोले, आपके कष्ट कम होंगे, नंबर एक। और अगर मृत्यु आ गई है तो आपका उद्धार होगा, आप अच्छे रास्ते पर नारायण लोग जाएंगे, अच्छे लोग जाएंगे और अगला जन्म भी अच्छा ही होगा। ये आज की कथा का सार था। आशा करता हूं कि आप इस कथा को समझे होंगे, इसकी गहराई में गए होंगे। गहराई सारी बात यही कहती है कि जो नर्क हमारे भागवत पुराण में, गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, जो भी हो, नर्क ज्यादातर यही है। आप देखो कैसी कितनी कष्टकारी बीमारियां हैं, आप आईसीयू में देखो लोग कितने कष्ट में तड़प रहे हैं, कितनी दुर्गति से मृत्यु होती है, सांस की नली, कितनी तरह की तो नलियां पड़ी रहती हैं, कितने हाथ आदमी होश में है और उसके एक वेंटिलेटर पड़ा हुआ, आप भी खोल रहा है, लोग कह रहे नहीं अभी वेंटिलेटर वीन ऑफ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सांस में ठुकी हुई है नली। कर्मों का नहीं पता कब के कर्म कहां प्रभाव में आ जाए, कई कई जन्मों पुराने कर्म कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन कर्मों के बंधन को काटने का रास्ता भी है, वो रास्ता है हरि नाम जप। अलग अलग मंत्र हैं, बहुत मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र जप, मार्कंडेय जी ऋषि ने कहा इस मंत्र को जपा था और अल्पकाल की मृत्यु थी, ऐसे 15 साल की अवस्था में मृत्यु होने वाली थी, लेकिन इस जप से वो बहुत लंबे समय तक रहे, बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप, श्री हरि का नाम, गायत्री का जप और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का जप, हरि के कितने नाम, या बीजक मंत्र बहुत हैं, ओम ओम
बहुत मंत्र हैं, छोटे से छोटा मंत्र भी है और बड़े से बड़ा मंत्र है। बड़े का मंत्र बड़ी प्रार्थना, छोटा मंत्र छोटे से में सब कुछ। आप केवल ओम का उच्चारण से उस परमपिता परमेश्वर से कनेक्शन कर लेते हैं, संबंध स्थापित हो जाता है। शर्त यह है कि आपको संसार से संबंध छोड़ना होगा, संसार से संबंध काटना होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप संसार सब कुछ छोड़ के चले जाए, नहीं, आप ये बैठे केवल ओम, अपने इष्ट का ख्याल जैसे आपको अच्छा लगता हो वो केवल ध्यान हो, बस हो गया ध्यान शुरू। आप बैठिए एक घंटा दो घंटा जितना मन करे, आप माला लीजिए ऐसे जब कीजिए धीरे धीरे जो करना है, क्योंकि ऐसे बैठने में आदमी का ध्यान इधर उधर चला जाता है, माला बार बार ध्यान लेती है। जो मंत्र है वो जपिए और जिसका मंत्र जप रहे हैं उसका ख्याल कीजिए। आप देखिए जितने भी चीजें आपके ध्यान में आएंगी धीरे धीरे आपके कर्म कटने लगेंगे। बुरे कर्मों को काटने की विधि हरि नाम हरि जप है, ये भी एक कथा बताती है। अतः बंधुओं जो भी कोई कष्ट में हो और भविष्य में कष्ट ना आए और उस कष्ट को सहने की क्षमता बढ़े, उसके लिए जरूरी है हरि नाम का जप आप जरूर करें। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, कुछ लोग ये मिसकंसेप्शन बना सकते हैं कि हम सारे जीवन तो पाप कर्म करें और लास्ट में भगवान का नाम ले लें। आप भी यही सोच रहे होंगे, चलो, लेकिन ये बात पक्की है कि जब जो जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं वही चीज मृत्यु के समय हमें ख्याल में आती है। जैसे अगर हम स्त्री का ख्याल कर रहे हैं, सुंदर स्त्री का, तो मृत्यु के समय भी हमें सुंदर स्त्री का ख्याल आएगा। हम धन का ख्याल जीवन भर कर रहे हैं तो धन का ख्याल मृत्यु के समय आएगा। और जीवन भर हमने लोगों का शोषण किया है, इधर उधर से धन जमा किया है, तो धन के बारे में और मकान बड़ी बड़ी बिल्डिंग और उनसे हमारी मोहब्बत है तो उसका ख्याल आएगा। राजा भरत की कहानी इसी बात को बताती है कि राजा भरत ने सब राजपाट छोड़ दिया, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो हिरण आ गया, हिरण से मोहब्बत हो गई और हिरण ही दिखाई दिया और हिरण का जन्म उन्हें लेना पड़ा। वैसा नहीं हो सकता भाइयों कि आप जीवन भर कोई अभ्यास ना करें और अचानक हरि का नाम ले लें। आप अजामिल नहीं है, है ना? ये अजामिल की कथा तो ये कहती है कि मृत्यु के समय हरि का नाम लेने से उद्धार हो जाता है, लेकिन मृत्यु के समय हरि का नाम आए उसका अभ्यास करना पड़ेगा। पूरा जीवन एक अभ्यास का समय है, स्टडी का टाइम है और एग्जाम मृत्यु का समय, ताकि मृत्यु के समय आप हरि का नाम ले लें। अच्छे से अच्छा लोग हरि का नाम नहीं ले पाता अगर वो पूरे जीवन वो काम नहीं कर रहा। मृत्यु के भले ही वो कितना पापी हो, मृत्यु के समय हरि का नाम कब ले पाएगा, जब उसने जीवन भर लिया। तो प्रभु आप अभी से सोचें, आज से हरि का नाम शुरू कर दें, हो गई आपकी मृत्यु, यानी कि मृत्यु मीन्स पाप कर्मों की मृत्यु, अब हरि का नाम लेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है आपके पाप की जो आपका जो कष्ट होने वाला था, जो आपके ऐसे कर्म थे जो आपके लिए कष्ट पैदा करने वाले थे, वो यहीं खत्म और हरि का नाम, हरि का गुण। अपनी जॉब करने जाओ, अपना काम करो, सोचो हरि की सेवा कर रहे। मैंने आज तक अपनी जॉब पर, मेरे गुरु ने खुद बताया, मैं बार बार याद करता हूं, किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए जॉब नहीं करते हम, क्यों करते हैं, हरि का काम कर रहे हैं। तो हरि का काम चाहे दिन करो चाहे रात करो आनंद आएगा। मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, अगर हम अभ्यास करेंगे तभी मृत्यु के समय हरि का नाम आएगा। इसलिए जीवन भर जब ही हमारा होश संभले तब से अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।